नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में। चिकन की रेसिपी तो आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन आज हम देखेंगे घर पे सरल और स्वादिष्ट चिकन की रेसिपी कैसे बनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 20 से 25 कली लहसुन, 3 मीडियम साइज प्याज और 2 इंच अदरक। साथ ही लेने होंगे 3 तेज पत्ते, 2 इंच दालचीनी, 3 बड़ा इलायची, 3 जावित्री, 1 चक्रीफूल और 3 छोटी इलायची, और साथ ही 5 लौंग, 1 छोटा चम्मच खड़ा धनिया, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, आधी छोटी चम्मच खसखस, 7 से 8 काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच सौंफ। सभी खड़े मसालों को एक बार हल्की आंच पर भूंज लें। साथ ही लहसुन, अदरक और खड़ा फल धनिया, इन तीनों का फाइन पेस्ट बना लें। अब बारी है प्याज और खड़े मसालों की। दोनों को साथ मिलाकर एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लें। सभी मसाले तैयार होने के बाद अब बारी आती है सब्जी की बनाने की। उसके लिए चाहिए हमें 3 बड़े चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम डालेंगे तेज पत्ते और कटे हुए प्याज। प्याज को हल्के पकने के बाद जैसे ही उसमें कलर बदलने लगे, हम चिकन को ऐड करेंगे। और साथ ही डालेंगे आधे कटे नींबू का रस। अब बारी है नमक की। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अब हम डालेंगे 2 चम्मच हल्दी। अब हम चिकन को अच्छे से चम्मच चला देंगे। अब हम डालेंगे खड़े मसालों का पेस्ट।
साथ ही डालेंगे धनिया, अदरक और लहसुन का पेस्ट। सभी मसालों का पेस्ट एक बार डालने के बाद अच्छे से सब्जी में चम्मच चलाएं। सभी मसाले अच्छे से पकने के बाद अब बारी है लाल मिर्च पाउडर की। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। साथ ही डालें लगभग 1.5 चम्मच चिकन मसाला। अब डालें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची। सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिला लें। अब हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार पानी डालें। पानी डालने के बाद चिकन को धीमी आंच पर अच्छे से पकने दें। अब आपकी सरल और स्वादिष्ट चिकन की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।